नाज़रीन आगे हम अभी बात नाज़रीन हम बात कर रहे थे 1700 BC की, जिसमें जब आर्यन यहाँ पर आए और आर्यन जो ये थे सेंट्रल एशिया से आए थे। ये एक यहाँ से हिंदुज़म स्टार्ट होता है और जो इनकी वैदिक बुक है इसको मानने वाले थे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पूरा इनका जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कास्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत बिलीव करते थे और ये एक यहाँ पर हिंदुज़म की जो बुनियाद है वो आर्यन के पर से पड़ती है। अब ये कैसे आए, इसकी वजूहात क्या थी, ये इसकी मुकम्मल डिटेल फिर हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। नाज़रीन इसके बाद जो है वो चंद्रगुप्ता की बारी आती है। चंद्रगुप्ता जो है ये एक मौर्यन डायनेस्टी के रहने वाले थे। अब चंद्रगुप्ता के बारे में दो बातें हैं। चंद्रगुप्ता एक फैमिली थी, रॉयल फैमिली, जिसका नाम था मुगीदा। उसमें ये एज अ नोबल जो है वो काम करते थे, लेकिन उन्होंने इसको निकाल दिया। अब उन दिनों में क्या हुआ, 321 में ये वो उनकी एक चलती चलती जो नस्ल थी 321 में तक आई, तो तब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पर पोरस पर जंग लड़ने के लिए यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए आया। जब उसने पोरस का मुकाबला उससे हुआ झेलम के मुकाम पर, उसने यहाँ से फतह किया, फिर वो यहाँ से मुल्तान की तरफ रवाना हुआ। फिर अब यहाँ से आगे जो चंद्रगुप्ता की जो उनकी सबका डायनेस्टी थी जिसको हम कहते हैं मुगीदा डायनेस्टी, उसको ख़त्म करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जब वो आगे निकला, तो रास्ते में उसका ख्याल बदल गया और उसने वापस जाने का कोशिश की। और वहाँ पर उसका मुल्तान के लोगों के साथ एक लड़ाई हुई है। उसमें वो एक आर्जी जो है वो चोट उसको आती है और उसके बाद वो उस जख्मों को ताब ना लाते हुए वो इसमें मर जाते हैं। अब चंद्रगुप्ता मरने से पहले मैंने आपको की मुगीदा डायनेस्टी को ख़त्म कर चुका होता है। जब चंद्रगुप्ता को ये बात पता लगता है कि उसने मुगीदा डायनेस्टी को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ख़त्म कर दी है, वो ख़त्म हो चुकी है, फिर वो वहाँ पर जो एक वैक्यूम था उसको फिल करने के लिए चंद्रगुप्ता की जो है वो चंद्रगुप्ता मुगीदा डायनेस्टी को जो है वो अपने कब्ज़े में ले लेता है, उस पर चढ़ दौड़ता है और इस तरह जो चंद्रगुप्ता है मौर्यन डायनेस्टी उसकी बुनियाद पड़ती है। चंद्रगुप्ता का जो बेटा होता है उसका नाम होता है, चंद्रगुप्ता के बेटे का नाम बिंदुसरा होता है। वो उसके बाद हुकूमत करता है और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा एक अशोका लीडर होकर दुनिया के सामने आता है वो इसी चंद्रगुप्ता के नस्ल में से होता है। अशोका के बारे में एक ये कहा जाता है कि वो बहुत ही जो पीसफुल रहने वाला बंदा था। उसने सिर्फ एक जंग ज़िंदगी में लड़ी थी, उसके बाद उसने मुकम्मल जो है वो अपना अमन और सुकून से रहने की कोशिश की और उसकी जो पूरी जो डायनेस्टी थी वो कहलाती थी, जिसमें वो अमन और सुकून की, हद तक वो ये कहता था कि जानवरों पर और जो चुंटियों पर जुल्म हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिर आगे इसकी हुकूमत चलती हुई, यहाँ पर इससे पहले जैनिज़्म बुद्धिज़्म ये कैसे वर्ज़ वजूद में आया, ये इसके ऊपर हम आपको फर्दर आगे डिटेल में बताएंगे जब हम इसकी तारीख में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री की डिटेल में जाएंगे। नाज़रीन 185 BC कबल अज़ मसीह में बैक्टीरियन ग्रीक यहाँ पर आते हैं, वो उनको ख़त्म करते हैं। फिर इस तरह उसके बाद 75 BC में यहाँ पर जो आते हैं वो उनको कहलाते हैं 75 BC में सचेसिन यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद 20 AD में यहाँ पर जो आते हैं 20 AD में पार्थोंस यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद 64 AD में यहाँ पर खुशांस आते हैं। खुशांस किंग जो है वो सेंट्रल एशिया से आया होता है, फिर वो यहाँ पर हुकूमत करता है। फिर उसके बाद हुकूमत आती है हुंस की। हुंस जो हैं वो बेसिकली चाइना से आया होते हैं, वो यहाँ पर हुकूमत करते हैं। फिर उसके बाद आखिरी नंबर जो यहाँ पर आता है वो आता है सैचानियस और तुर्क का यहाँ पर आखिरी नंबर आता है। तो ये आपकी एक जो बेसिक पास्ट था उसके ऊपर हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम कैसे यहाँ पर आया और उससे पहले क्या था।